इस हिंदी का हम लोग 17 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। 18 चैप्टर में दिया है आज़ादी में जीवन, आज़ादी में हम लोग कैसा जीवन जीते हैं और जो पशु पक्षी होते हैं वह कैसा जिंदगी महसूस करते हैं, ठीक है, इसी के बारे में इस कविता में वर्णन किया गया है। तो चलिए हम इसको पढ़कर समझते हैं। मैना सुगा पिंजरे में हो बंद दुखी हो जाते, सुख सुविधा मन चाहा भोजन फिर भी चहक न पाते। इसका मतलब है कि मैना सुगा पिंजरे में जब बंद हो जाते हैं तो वे क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। उनको चाहे जितना भी सुख सुविधा मनचाहा भोजन दिया जाए फिर भी वह चहक नहीं पाते, यानी खुश नहीं हो पाते हैं। चहकना का मतलब क्या होता है, खुश होना। जब मैना सुगा या कोई भी पक्षी हो जब उसको पिंजरे में बंद किया जाता है तो उसको कितना भी सुख सुविधा दिया जाए उसमें और मनचाहा भोजन दिया जाए फिर भी वे खुश नहीं हो पाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो उनका ज़िंदगी है वह एक आज़ादी का ज़िंदगी हो जाता है, ठीक है। आगे दिया है कि चिड़िया घर में कैद शेर हरदम दहाड़ गुराता, वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास न आता। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि यह शेर भी है कि चिड़िया घर में कैद शेर हरदम दहाड़ गुराता है, जब वह चिड़िया घर में कैद रहता है तो हरदम वह दहाड़ता रहते हैं, गुराता रहते हैं क्रोध में। उसको भी वहाँ की जंजीर जो होते हैं चिड़िया घर की, उसको वहाँ की जंजीर बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का गुलामी का वह जीवन उसको रास न आता। रास न आना का मतलब होता है अच्छा नहीं लगना। वहाँ गुलामी का वह जो जीवन है यानी जो जेल में वह जेल की तरह जकड़े हुए हैं उसको वह बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो शेर हैं वह एक जंगल का राजा है, ठीक है, वह एक आज़ाद जानवर है, इसलिए वह कैद रहना नहीं चाहता है। फिर आगे दिया गया है कि मछली जल में मछला करती, जल प्राणों से प्यारा, जल से बाहर रहकर जीना उसको नहीं गवारा। इस कविता में कहा गया है मछली के बारे में कि मछली जल में मछला करती है, यानी मछली जल में ही खुश और प्रसन्न रहती हैं, उसी में वह क्रीड़ा करती रहती हैं। जल प्राणों से प्यारा, जल जो है उसको प्राणों से भी प्यारा है। जल से बाहर रहकर जीना, जल से बाहर रहकर उसको जीना बिल्कुल ही गवारा यानी अच्छा नहीं लगता। जल से बाहर उसको रहकर जीना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जल जो है उसको प्राणों से भी प्यारा है, उसी में वह क्रीड़ा करती है और उसी में वह हंसी खुशी से रहती हैं, ठीक है। आगे फिर दिया है मुस्काती कलियों को है फूलों की डाली प्यारी, अगर तोड़ लेता कोई तो मुरझाती बेचारी। इसका मतलब है कि मुस्काती कलियों को है फूलों की डाली प्यारी, जो कलियाँ हैं इसका इस पंक्ति में कहने का मतलब है जो फूलों की जो कलियाँ हैं, जो सुंदर कलियाँ होती हैं उसको क्या प्यारा है, फूलों की डाली प्यारा है, क्योंकि वो फूलों डाली से ही वो लगने रहना चाहती हैं। अगर कोई तोड़ लेता है, अगर तोड़ लेता कोई तो मुरझाती बेचारी, अगर कोई तोड़ लेता है उस डाली से उसको, यानी उस डाली से वह अलग कर देता है तो वह बेचारी मुरझा जाती हैं। इसलिए कलियों को क्या प्यारा है, उसको डाली ही प्यारी है, वो डाली से ही लगे रहना चाहती और मुस्काती रहती है, ठीक है। फिर आगे दिया है सबको अपना घर प्यारा है, आज़ादी है प्यारी, आज़ादी में जीवन है, जीवन की खुशियाँ सारी। इस कविता में कहा गया है इस पंक्ति में कि सबको अपना घर प्यारा है, जितने भी पशु हैं पक्षी हैं जितने भी जानवर हैं या मनुष्य हैं वो सबको अपना घर प्यारा लगता है, आज़ादी है प्यारी, और उनको जो आज़ादी है वह आज़ादी प्यारी लगती है, यानी हर कोई कैद के ज़िंदगी जीना नहीं चाहता, इसलिए वह आज़ादी उनको प्यारी लगती है, आज़ादी में ही जीवन है। और उन सब का कहना है कि आज़ादी में ही ज़िंदगी है और आज़ादी में ही खुशी है, जीवन की खुशियाँ सारी, और जीवन की जो सारी खुशियाँ हैं वो किस चीज़ में है, आज़ादी जीवन जीने में है, ठीक है। तो यहाँ तक यह कविता था जिसका राइटर भगवती प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। चलिए आगे इसके बाद देखते हैं, इसमें शब्दार्थ दिया है। हरदम का मतलब होता है हमेशा, मन चाहा का मतलब होता है मन जैसा चाहे, रास न आना यानी अच्छा नहीं लगना, गंवारा न होना यानी स्वीकार न होना। आगे इसमें प्रश्न दिया गया है कि इस पाठ से कि चिड़ियाघर में अपने किन किन पशु पक्षियों को देखा है, तो चिड़ियाघर में अपने जिन पशु पक्षियों को देखा है उन्हीं को आंसर के रूप में लिखना है। चिड़ियाघर में पशु पक्षियों के रहने खाने पीने की कैसी व्यवस्था की जाती है, पालतू पशुओं को जंगल में एवं जंगली पशुओं को घर में रखा जाए तो उन्हें कैसा महसूस होगा या क्या होगा, जलीय जंतुओं को यदि स्थल पर रखा जाए तो उन्हें क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं,
हम किन किन पक्षियों को पालते हैं और क्यों? चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम समझते हैं। देखिए इसका आंसर हमने लिखा है कि चिड़ियाघर में आपने किन किन पशु पक्षियों को देखा है, तो इसका आंसर है कि चिड़ियाघर में हमने हाथी, शेर, ऊंट, बाघ, चीता, भालू, बंदर, लंगूर, नीलगाय और बारहसिंगा तथा विचित्र प्रकार के और अनेकों प्रजाति के मोर, सर्प, पक्षी इत्यादि देखा है। ठीक है, आपने जो देखा है उसके बारे में आप भी लिख सकते हैं। फिर दो नंबर प्रश्न दिया है कि चिड़ियाघर में पशु पक्षियों के रहने, खाने पीने की कैसी व्यवस्था की जाती है, तो इसका आंसर है कि चिड़ियाघर में पशु पक्षियों के रहने के लिए पिंजरे तथा खाने पीने के लिए विशेष प्रकार की सुविधा की जाती है। जैसे चीता या बाघ के लिए मांस की व्यवस्था की जाती है तथा चिड़ियों के लिए फल, अन्न, पानी इत्यादि की व्यवस्था की जाती है तथा नीलगाय, हिरण आदि, ऊँट इत्यादि का घास या अन्न की व्यवस्था की जाती है। यानी हर किसी का जो भोजन है वह अलग अलग है, विशेष प्रकार की है। प्रश्न तीन में दिया है कि पालतू पशुओं को जंगल में एवं जंगली पशुओं को घर में रखा जाए तो क्या होगा, तो इसका आंसर है कि पालतू पशुओं को यदि जंगल में रखा जाए तो उन्हें जीना मुश्किल हो जाएगा और यदि जंगली पशुओं को घर में रखा जाए तो उनका जीवन भार स्वरूप लगने लगेगा। हर पशु पक्षी को आज़ादी या अपना जीवन ही प्रिय है। ठीक है, देखिए चार नंबर प्रश्न में दिया है कि जलीय जंतुओं को यदि स्थल पर रखा जाए तो उन्हें क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, तो इसका आंसर मैंने लिखा है कि जलीय जंतुओं को यदि स्थल पर रखा जाए जैसे मछली, जलीय मेंढक, तो उन्हें जल के बिना जीवन संभव नहीं है तथा अपना आहार भी प्राप्त करने में असक्षम होंगे, जिसके कारण जल और भोजन से अलग होकर वे अपना प्राण भी त्याग सकते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है कि हम किन किन पक्षियों को पालते हैं और क्यों, तो ये देखिए इसका आंसर है कि कबूतर, तोता, मैना, इन पक्षियों को पालने का कारण इनके मीठे एवं प्यारे बोली हैं। जैसे कोयल हो गया, कोयल के भी बोली जो होती है अत्यंत मीठा होता है और प्यारा होता है तथा कुछ पक्षियों को मांस इत्यादि के लिए पालन किया जाता है। ठीक है, तो यही हमारा पाँच नंबर तक आंसर है। फिर इसके आगे देखते हैं, देखिए इसमें भी चार प्रश्न दिया है। जैसे प्रत्येक पशु पक्षी आज़ाद रहना चाहता है लेकिन इंसान कई पशु पक्षियों को कैद करके रखते हैं, आपके अनुसार क्या यह उचित है, इसका आंसर हमको देना है अपने ही भाषा या शब्दों में। फिर दो नंबर प्रश्न है कि आपको अपना घर क्यों प्यारा लगता है। तीन नंबर प्रश्न है कि मनचाहा भोजन, कपड़े, खिलौने आदि न मिलने पर आप क्या करते हैं, पशु पक्षी स्वतंत्रता पूर्वक रह सके इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसका हम आंसर देखते हैं। छः नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक पशु पक्षी आज़ाद रहना चाहता है लेकिन इंसान कई पशु पक्षियों को कैद करके रखते हैं, आपके अनुसार क्या यह उचित है। देखिए मैंने अपने मर्जी से लिखा है इस प्रश्न का उत्तर। प्रत्येक पशु पक्षी अपना आज़ादी जीवन जीना चाहते हैं, किसी भी पक्षी को कैद करके रखना उसके आज़ादी जीवन या खुशहाल जीवन को नष्ट करने के बराबर है या नष्ट करना है, यह एक हत्या के बराबर माना जाता है। अतः किसी भी पशु पक्षी को कैद करके रखना हमारे विचार में यह उचित नहीं है। ठीक है, आगे प्रश्न है आपको अपना घर क्यों प्यारा लगता है, तो इसका आंसर है कि हमें हमारा घर इसलिए प्यारा लगता है क्योंकि हमारा लगाव उसी से है जिसमें हम रहते हैं तथा हर किसी का भी अपना ही घर प्यारा लगता है जिससे उसका लगाव होता है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। आगे प्रश्न दिए हैं कि मनचाहा भोजन, कपड़े, खिलौने आदि न मिलने पर आप क्या करते हैं, तो इसका आंसर है कि मनचाहा भोजन, कपड़े, खिलौने आदि न मिलने पर हमारा मन राजी अर्थात खुश नहीं होता है। अच्छा कपड़ा, प्यारा, खिलौना, भोजन आदि को प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। प्रश्न नौ नंबर में दिया है कि पशु पक्षी स्वतंत्रता पूर्वक रह सके इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका आंसर है कि इसके लिए हमें पशु पक्षी को जंगलों से नहीं पकड़ना चाहिए तथा न ही उन्हें पिंजरे आदि में कैद करना चाहिए। जिस तरह मनुष्य स्वतंत्र हैं उसी तरह पशु पक्षी भी ईश्वर से स्वतंत्र रहने की कामना करते हैं। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। इसमें दिया है आज़ादी की बात, एक नंबर प्रश्न दिया है कि आपके लिए आज़ादी के क्या क्या मतलब हैं,
सही निशान लगाइए। तो देखिए इसमें 5 विकल्प दिया गया है। अपनी बात जी भर कर करना, आज़ादी के क्या क्या मतलब हो सकते हैं, अपनी बात जी भर कर करना। फिर आगे दिए हैं किसी को कुछ भी कहना, छुट्टी का दिन, लड्डू खाने का दिन, मनपसंद कहानी पढ़ना। तो इन 5 में से जो आज़ादी का मतलब है वह क्या हो सकता है? तो इसका हो सकता है कि अपनी बात जी भर कर कहना, तो इसमें हम सही निशान लगा देंगे। फिर आगे दिए हैं 2 में कि बताइए आज़ादी का क्या मतलब होगा। चिड़िया के लिए आज़ादी का मतलब क्या होगा, शेर के लिए क्या होगा, मछली आपकी बहन के लिए और आपके भाई के लिए। चलिए इसका हम मतलब समझते हैं। चलिए इसका अर्थ हम लोग समझते हैं। जैसे दिया है शेर के लिए, कि शेर के लिए आज़ादी का जीवन, चिड़िया के लिए पहले दिया है चिड़िया के लिए, इसके लिए आज़ादी का मतलब क्या हो सकते हैं? तो देखिए इसका हम आंसर लिखे हैं कि चिड़िया को पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए। शेर के लिए, तो इसका मतलब है कि शेर को जंगल का राजा माना जाता है, अतः शेर के लिए जंगल ही उचित होगा। मछली के लिए, मछली का जीवन जल ही है, अतः मछली के लिए जल ही उपयुक्त होगा। ठीक है, आपकी बहन के लिए अपने माता पिता के सभी कार्यों को करना तथा साथ साथ स्वच्छंद विचरण करना ही आज़ादी जीवन जीना है। फिर दिया है आगे आपके भाई के लिए, तो इसका मतलब लिखे हैं अच्छे दोस्तों के साथ विचरण करना तथा मनचाहा यात्रा करना, घूमना ही एक स्वतंत्र जीवन है। ठीक है, चलिए आगे सवाल दिया है, देखते हैं। 3 प्रश्न में दिया है कि आपने अपने आसपास ऐसा ज़रूर देखा होगा, जैसे रंग बिरंगी चिड़ियों को पिंजरे में कैद करके उन्हें बेचना, घरों में तोते मछलियों को पालना। ठीक है, फिर उसके बाद प्रश्न दिए हैं कि क्या आपको यह सही लगता है, क्यों। फिर आगे दिए हैं कि पशु पक्षी कैद में रहते हुए कैसा महसूस करते होंगे, अगर आपको कोई कैद करके रखे तो आपको कैसा लगेगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हम समझते हैं। देखिए क्या आपको यह सही लगता है, क्यों, इसका उत्तर हमें देना है। तो इसका आंसर हम लिखे हैं कि नहीं, क्योंकि किसी भी जीव को कैद करके रखना उन्हें अपार दुख और कष्ट देने के समान है। पिंजरे में कैद पक्षी सही से रह नहीं पाते हैं और स्वच्छंद विचरण नहीं कर पाते हैं, उनका जीवन एक कैदी का जीवन होता है। इस कारण किसी भी चिड़ियों को या रंग बिरंगे चिड़ियों को या पशु पक्षियों को भी पिंजरे में कैद करके उन्हें रखना या बेचना उचित नहीं है। ठीक है, आगे सवाल दिया है कि पशु पक्षी कैद में रहते हुए कैसा महसूस करते होंगे, तो इसका आंसर लिखा है मैंने कि पशु पक्षी कैद में रहते हुए दुखद जीवन महसूस करते हैं। जिस तरह मनुष्य आज़ादी जीवन जीना चाहते हैं, उसी तरह पशु पक्षी भी स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। किसी भी जीव को कैद रहने से वे अपना कष्टमय जीवन बिताते हैं, अतः हर किसी को स्वतंत्र जीवन जीना अच्छा लगता है। ठीक है, 9 प्रश्न में दिया है अगर आपको कोई कैद करके रखे तो आपको कैसा लगेगा, तो इसका आंसर मैंने लिखा है कि अगर हमें कोई कैद करके रखे तो हमारा जीवन दुखमय और कर्भार स्वरूप लगेगा तथा घूंट घूंट कर जीवन बिताना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रश्न का यही आंसर है। फिर आगे देखते हैं, इसमें प्रश्न दिए हैं कविता में से कि 1 प्रश्न है कि कलिया कब मुस्काती और कब मुरझा जाती है। प्रश्न 2 में दिए हैं कि तोता मैना पिंजरे में मनचाहा भोजन मिलने के बाद भी खुश क्यों नहीं रह पाते, सिर चिड़िया घर में क्यों नहीं रहना चाहता। फिर आगे प्रश्न दिए हैं कविता के दिए गए अंश के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प के आगे सही के निशान लगाए। पहले इसको हम 3 प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद इसके आगे देखेंगे। ठीक है, प्रश्न है कि कलिया कब मुस्काती और कब मुरझा जाती हैं, तो इसका आंसर है कि जब कलिया डाली में लगी रहती हैं तब मुस्काती हैं और जब डाली से तोड़ ली जाती हैं तब मुरझा जाती हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है कि तोता मैना पिंजरे में मनचाहा भोजन मिलने के बाद भी खुश क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि उनका जीवन आज़ादी का जीवन है, वे स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करना चाहते हैं, इसलिए पिंजरे में मनचाहा भोजन मिलने के बाद भी खुश नहीं रह पाते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है कि शेर चिड़िया घर में क्यों नहीं रहना चाहता, इसका आंसर है कि शेर चिड़िया घर में कैद रहते हैं, उनकी आज़ादी तथा खुशी छिन जाती है, इस कारण वह चिड़िया घर में रहना नहीं चाहता। ठीक है, देखिए पहले इस पंक्ति को हम पढ़ लेते हैं, इसको पढ़कर हमें जितने भी वैकल्पिक सवाल है उन सभी सवालों को हमें जवाब देना है। तो इसको हम पढ़कर समझ लेते हैं। मैना सुगा पिंजरे में
हो बंद दुखी हो जाते, सुख सुविधा मनचाहा भोजन फिर भी चहक ना पाते, चिड़िया घर में कैद शेर हरदम दहाड़ गुराता, वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास ना आता। इस पंक्ति को तो हम समझ चुके हैं कि मैना सुगा चाहे कोई भी पक्षी हो, वह पिंजरे में जब बंद हो जाते हैं तो सुख सुविधा मनचाहा भोजन जितना भी दिया जाए वह चहक नहीं पाते, यानी खुशी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो इनका जीवन जो है, जो खुशी है वह छिनकर वह कैद रूपी हो जाती हैं। चिड़िया घर में कैद शेर हरदम दहाड़ गुराता, चिड़िया घर में जो कैद शेर होता है, जो शेर को कैद किया जाता है उसमें रखा जाता है, वो हरदम दहाड़ता है और गुराता है और लोगों पर वह क्रोधित होता है। वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास न आता है, वहाँ का जो उसको गुलामी का वह जीवन है जिसको जंजीरों में पकड़ कर रखा गया है उसको रास न आते हैं, उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको स्वीकार नहीं होता है। अब आगे प्रश्न दिया है वैकल्पिक कि चिड़िया घर को गुलामी का जीवन कहा गया है क्योंकि वहाँ काम करना पड़ता है, वहाँ खाने को नहीं मिलता, वहाँ अपनी मर्जी से घूम फिर नहीं सकते। तो हाँ, ये 3 नंबर जो विकल्प है वह सही है, क्योंकि चिड़िया को जब गुलामी का जीवन कहा गया है उसको कैसा महसूस होगा, वहाँ अपनी मर्जी से घूम फिर नहीं सकते, तो इसमें सही निशान लगा देंगे। फिर आगे दिया है 6 नंबर में कि चिड़िया में कैद शेर क्या करते हैं, चिड़िया घर में कैद शेर क्या करता है, पिंजरे को तोड़ता है या दहाड़ते गुर्राते हुए कैद से आज़ाद होना चाहता है या सारा दिन परेशान करता है। जब उसमें कैद वह होता है तो इसमें दिया गया है कि चिड़िया घर में कैद शेर हरदम दहाड़ गुर्राता है, दहाड़ते गुर्राते हुए कैद से आज़ाद होना चाहता है, तो इसमें भी सही टिक लगा देंगे। फिर आगे देखते हैं, आगे दिया है कि मैना तोता पिंजरे में दुखी हो जाते हैं क्योंकि, देखिए इसमें दिया है कि मैना जो सुगा है वो पिंजरे में दुखी हो जाते हैं क्यों, क्योंकि उनको सुख सुविधा मनचाहा भोजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि वे आकाश में उड़ना चाहते हैं, उन्हें पिंजरे में अच्छा भोजन नहीं मिलता है, वे पिंजरे में चहक नहीं सकते। तो हाँ, इसका सही जो आंसर होगा, देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि फिर भी चहक ना पाते, उनको कितना भी सुख सुविधा मनचाहा भोजन दिया जाए वो चहक नहीं पाते हैं, इसका आंसर क्या होगा, वे पिंजरे में चहक नहीं सकते, तो इसमें सही टिक लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, प्राणियों को सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, मनचाहा भोजन आज़ादी या सुख सुविधाएँ। जो प्राणियों को जब कैद किया जाए, जीव जंतुओं को जब कैद किया जाए तो उनको मनचाहा भोजन अच्छा कैसे लगेगा या उनको सुख सुविधाएँ कैसे अच्छा लगेगा, जब उनकी जीवन ही कैद है और उनको कैद करके रखा जाए तो न उनको मनचाहा भोजन अच्छा लगेगा और न सुख सुविधाएँ अच्छी लगेगी और न उनको जीवन ही आज़ादी प्रिय लगेगा, क्योंकि जो जीव जंतु हैं या पशु पक्षी हैं वह कैसा ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आज़ादी, तो इसमें आज़ादी पर ऐसा टिक लगा देंगे। ठीक है, प्राणियों को सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, तो आज़ादी, उनको आज़ादी ही अच्छी लगती है। आगे प्रश्न दिया है कि कवि कहना चाहता है कि चिड़ियाघर खराब जगह है, पशु पक्षियों को सुख से रखना चाहिए, आज़ादी में जीवन में खुशी होती है। तो हाँ, ये 3 नंबर जो विकल्प है यह सही है। ठीक है, क्योंकि आज़ादी में जीवन में ही खुशी होती है, हर जीव जंतु का, पशु पक्षी हो चाहे इंसान ही क्यों ना हो, हर किसी की आज़ादी जीवन ही खुशी होती है। चलिए आगे सवाल दिया है, दी गई पंक्तियों को पढ़िए और बताइए कि वे पंक्तियों में किन के लिए कही गई हैं, सुख सुविधा मनचाहा भोजन फिर भी चहक ना पाते, तो यह किसके लिए कही गई है, तो यह पक्षियों के लिए कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, पक्षियों के लिए। ठीक है, आगे दिया गया है कि वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास न आता, वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास न आता, तो देखिए यह किसके लिए कहा गया है, तो कविता में यहाँ दिया गया है कि वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास न आता, इसमें किसके लिए, तो शेर के लिए, चिड़ियाघर में कैद शेर हरदम दहाड़ गुराता, वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास न आता, तो शेर के लिए लिख देंगे ऐसा, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे शेर के लिए। ठीक है, फिर उसके आगे दिया है कि जल से बाहर रहकर जीना उसको नहीं गवारा, यह किसके लिए प्रश्न कहा गया है, तो यह मछली के लिए कहा गया है, मछली के लिए। ठीक है,
फूलों की डाली प्यारी। तो फूलों की डाली जो है वह किसको प्यारी है, तो कलियों की, यहाँ पर लिख देंगे कलियों की फूलों की डाली डाली प्यारी है। ठीक है, आगे प्रश्न दिया है 6 नंबर में, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके लिए कविता में से उपयुक्त पंक्तियाँ छांट कर लिखिए। ये जो पक्षी है इसको कैद करके रखा गया है, तो ये कैद करके जो पक्षी रखा गया है इनका जो पंक्ति है उस पंक्ति को हमें लिखना है। तो देखिए इसका पंक्ति क्या है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि मैना सुगा पिंजरे में हो बांध दुखी हो जाते, सुख सुविधा मन चाह भोजन फिर भी चाहक ना पाते। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ कलियों के बारे में बात की जाती है, तो कलियों के लिए क्या पंक्ति है, तो इसका देखते हैं हम। देखिए इसका पंक्ति है कि मुस्काती कलियों को है फूलों की डाली प्यारी, अगर तोड़ लेता कोई तो मुरझा जाती बेचारी। यानी यहाँ से यहाँ तक हमें उसमें लिख देना है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए इसके आगे इसमें शेर के लिए दिया गया है। ठीक है, तो शेर के लिए क्या पंक्ति है, इस कविता से हमें छाँट कर लिख। देखिए शेर के लिए यहाँ पर दिया गया है कि चिड़िया घर में कैद शेर हरदम दहाड़ गुर्राता, वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास न आता। यानी यहाँ से यहाँ तक उसमें रिक्त स्थानों में भर देना है। इसमें दिया है कविता के दो अन्य शीर्षक बताइए, इसमें दो अन्य शीर्षक बताना है। फिर यह भी कह रहा है कि अभी बताइए कि अपने शीर्षक चुने क्यों चुने। चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कविता के दो अन्य शीर्षक स्वतंत्र जीवन और जीवों की स्वतंत्रता की कल्पना। तो स्वतंत्र जीवन के बारे में लिखना है, इसके बारे में लिखना भी है कि आपने क्यों चुना उसके बारे में लिखे। तो देखिए प्रत्येक जीव स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है, कोई भी कैद रहना नहीं चाहता है। स्वतंत्र जीवन ही एक खुशहाल जीवन है, जीवों की स्वतंत्रता की कल्पना है। पिंजरे में कैद पशु पक्षी स्वतंत्र जीवन की कल्पना करते हैं, उन्हें घूंट घूंट कर जीना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, देखिए आगे दिए हैं भाषा की बात, इसमें दिए हैं इनका मतलब समझाइए कि रास न आना का मतलब क्या होता है, गंवारा न होना, चहक न पाना। तो रास न आना का मतलब होता है अच्छा न लगना, गंवारा न होना का मतलब स्वीकार न होना, चहक न पाना का मतलब खुश न होना। 2 नंबर में दिया है कि नीचे दिए गए वाक्यों के वचन बदलकर उन्हें दोबारा लिखिए। जैसे वाक्य हैं इसको इस वाक्य को बदलकर इसके वचनों को हमें लिखना है। तोता पिंजरे में कैद था, इसका होगा इसको वचन बदलेंगे तो तोते पिंजरे में कैद थे। ठीक है, मछली जल में मचलती हैं, तो इसका होगा मछलियाँ जल में मचलती हैं। चलिए इसका हम पहले समझ लेते हैं लिख कर। देखिए इनका मतलब यहाँ पर हम लिख दें, रास आना मन अच्छी नहीं लगना, गुआरा न होना, स्वीकार न होना, चहक न पाना, खुश न रहना। नीचे दिए गए वाक्यों के वचन बदले उन्हें दोबारा लिखे। तोता पिंजरे में कैद था, तोते पिंजरे में कैद थे, मछली जल में मचलती हैं, मछलियाँ जल में मचलती हैं। फिर आगे दिए हैं सिर हरदम गुर्राता दहाड़ता है, तो इसका आंसर यहाँ पर मैंने लिखा है कि सिर हरदम गुर्राते दहाड़ते हैं, फूल को मत तोड़ो, फूलों को मत तोड़ो। ठीक है, फिर आगे इसमें दिया है किताब में कि जीवन शब्द से कई नए शब्द बन सकते हैं, जैसे जैसे में दिया है यहाँ पे जीवन शब्द से जो नए शब्द बन सकते हैं वह है यहाँ पे, तो जीवन से जीवनी, जीवन जैव जैविक, जीवन दान, जीवनी शक्ति और जिंदगी। और भी आप चाहे तो बनाकर इसमें आगे लिख सकते हैं। देखिए आगे दिया है कि आप नीचे दिए गए शब्दों से नए शब्द बनाइए, जैसे दिन दिया है तो दिन से हमें नए शब्द बनाना है। दिनकर दिवस, दिशा दिवाकर, धन से धनवान, धनुष धनी या धनाढ्य। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। इसमें आगे दिया है कि कविता में जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा हो उसका एक चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। आप चाहे तो अपनी एक छोटी सी कविता भी लिख सकते हैं, तो आप अपनी मर्जी से ऐसा लिख सकते हैं या बना सकते हैं। देखिए यहाँ तक हमारा जो चैप्टर था वह समाप्त हो गया। ठीक है।